हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासना कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट आलू के पराठा की रेसिपी लेकर आई हूं, और जिसे आज हम लिक्विड डो से बनाएंगे। आलू पराठा बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको ना ही आटा गूंथना है, ना आलू का मसाला भरना है, और ना ही पराठा बेलना है। और देखिए, तब भी हमारा पराठा कितना फूला हुआ बना है। अगर आप भी ऐसे ही फूले फूले स्वादिष्ट पराठे बनाना चाहते हैं, तो पूरी रेसिपी को ध्यान से देखकर सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 2 कप गेहूं का आटा। अगर ग्राम्स में मापें तो ये 350 ग्राम गेहूं का आटा है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के उबालकर कद्दूकस किए हुए आलू। यहाँ पर आलू को आपको कद्दूकस करके ही डालना है, तभी आपके भी पराठे एकदम सही बनेंगे। 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच तेल, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह पर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है, और पानी को हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अगर एक साथ डाल दिया तो इसमें गांठें बन जाएंगी। हमें पानी को इसमें 2-3 बार करके डालना है और मिक्स करते जाना है। तो हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया था, और 1 कप पानी मैं अब डाल रही हूँ। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अभी ये बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें 1 कप पानी और डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो 2 कप आटे के लिए आपको इसमें 3 कप पानी का यूज करना है। अब आपको इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से फेंटना है। इसी तरीके से सारे स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपके भी पराठे एकदम सही बनेंगे। अभी ये बैटर बिल्कुल रेडी है, और ये देखिए, इस तरीके से आपको ये बैटर रखना है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला है ये, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी ये बैटर बनाना है। तो आइए अब चलते हैं पराठा बनाने के प्रोसेस पर। तो पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को हल्का गर्म कर लिया है। जरूरी स्टेप, पहले तवे को हल्का गर्म ही रखना है, तेज गर्म नहीं करना है। अब तवे पर 1-2 ड्रॉप्स तेल या घी डालेंगे, और इसको हम टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रहे, लिक्विड डो पराठा बनाने के लिए हमें नॉनस्टिक तवे का ही यूज करना है। लोहे के तवे पर आप ये पराठा नहीं बना सकते। अब हमें इसके ऊपर 1 चम्मच बैटर डाल देना है, और बहुत ही हल्के हाथ से इसे गोल करते जाना है। और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली ये गोल हो जाता है। हमें इस तरीके से इसे फैलाना है और पराठे का शेप देना है। गैस के लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हमें इसे ऊपर से ड्राई होने तक सिकने देना है। ये देखिए, थोड़ी देर में ये ऊपर से सूख गया है, यानी कि ड्राई हो गया है। अब हम स्पैचुला से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस हल्का हल्का ही प्रेस करना है, और इसके बाद हम इसे पलट देंगे। अब गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और गैस के मीडियम फ्लेम पर इसे इधर भी अच्छे से पका लेंगे। अब ये दूसरी साइड भी पराठा थोड़ा कुक हो चुका है, अब इसे पलट देंगे। अब हम इसे किसी साफ सूती कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेकेंगे, और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि पराठा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। अब इस तरह प्रेस करने के बाद फिर से हम पलट देते हैं पराठे को। अब इधर की साइड भी कपड़े से हल्का हल्का प्रेस करते हुए सेक लेते हैं, जिससे कि पराठा हमारा अंदर तक अच्छे से सिक जाए, कच्चा ना रहे, और अच्छे से फूल भी जाए। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पराठा हमारा अच्छे से फूलने लग गया है। अब इसके ऊपर देसी घी लगा देते हैं, आप चाहे तो बटर या तेल भी लगा सकते हैं। अब दोनों तरफ घी लगाकर पराठा को अच्छे से सेक लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई करेंगे ना,
ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता है। ये देखिए, ये कितने अच्छे से फूल गया, कोई देखकर बताएगा भी नहीं कि आपने ये बिना बेले बिना आटा गूथे बनाया है। अब ये दोनों तरफ अच्छे से सिक गया है, तो अब इसे तवे से उतार लेते हैं। अब बाकी के पराठे भी हम सेम तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं, एकदम झटपट ये बनकर तैयार हो जाते हैं और वीडियो में आप देख सकते हैं एकदम गोल गोल फूले फूले स्वादिष्ट पराठे बने हैं, एकदम सुपर सॉफ्ट, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप इन्हें टमाटो सॉस और दही के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। अगर आपको हमारी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि चैनल पर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।